आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। आप सभी को राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ दिनांक 10 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहें। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन शुक्रवार, सावन मास, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो प्रातः 11:35 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है जो दिन और रात्रि दोनों समय रहेगा। आज योग सौभाग्य है, करण तेतुल और गरज है। राहुकाल का समय सुबह 10:30 से आरंभ होकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 से आरंभ होकर 12:45 तक, और कोई भी नवीन कार्य आप आज करना चाहते हैं, शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है सुबह 7:08 से आरंभ होकर 8:50 तक, और शाम को शुभ समय रहेगा 5:30 से आरंभ होकर 7:15 तक। तिथि के अनुसार आज बेलफल नहीं खाना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में हैं तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, यात्रा करनी है तो दूध पीकर करें, मंगलमय रहेगी। आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए उपाय, आज आप इत्र का दान करें और स्वयं भी इत्र का प्रयोग करें, लाभप्रद रहेगा। सज्जनों, आज विशेष चर्चा में जानेंगे अपने पूजा स्थान में रखे हुए शालिग्राम शिला के विषय में। हम सभी के घर में शालिग्राम शिला होती है तो उसका पूजन विधि किस प्रकार से है, क्या महत्व है, और इस शालिग्राम शिला को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर हम दुकानदार हैं तो हम बेच सकते हैं या नहीं, तो शास्त्र के अनुसार जानेंगे क्या इसका प्रतिफल होता है, क्या परिणाम होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि, आज आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, कार्य रुकेंगे लेकिन पूरे हो जाएंगे। आज शुभ अंक 8 और शुभ रंग लाल। वृषभ राशि, आज कोई नवीन निर्णय आप ले सकते हैं। नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रीन। मिथुन राशि, भाग्य का साथ आज आपको प्राप्त होगा। आपके लिए कुछ नया करने के लिए दिन आज अच्छा है तो कुछ कर सकते हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग बादामी। कर्क राशि, आज आपको अपनों का सहयोग मिलेगा जो प्रत्येक कार्य में आपके लिए सिद्धिकारक होगा, लाभ की प्राप्ति दिलाने वाला होगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्काई ब्लू। सिंह राशि, आज धन से संबंधित कार्य को आप ध्यान से करें, कुछ हानि की संभावना है, ध्यान से करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पिंक। कन्या राशि, आज योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य को करें तो श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। तुला राशि, आज आप जीवन में बदलाव कर सकते हैं और लाभ के हेतु आप निरंतर प्रयत्न करते रहें तो श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग सिंदूरी। वृश्चिक राशि, आज दिन आपका सुखद रहने वाला है, अध्यात्म से आज आप जुड़ेंगे, मन में सकारात्मक विचार आपके रहेंगे लेकिन धैर्य को धारण करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे। धनु राशि, परिश्रम से आज प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मित्रों से अच्छा सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। शुभ अंक 4, शुभ रंग बादामी। मकर राशि, आज आपको व्यवसाय क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं और आज आपका समाज में प्रभाव रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग काला। कुंभ राशि, आज व्यापार में आप नया कर सकते हैं लेकिन कोई भी नया कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी जांच पड़ताल अवश्य करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफ़ेद। मीन राशि, आज यात्रा का योग है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी रहेगा तो, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। चलिए सज्जनों, अब जानते हैं शालिग्राम शिला का महत्व, पूजन विधि, और इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, शास्त्र हमें क्या निर्देश देते हैं। शालिग्राम शिला के विषय में अत्यधिक लोग जानते ही हैं,
लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। तो शालिग्राम जो शिला है वो नेपाल में गंडकी नदी से हमें प्राप्त होती है और पुराणों में उसकी एक बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा आती है कि एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था जिसका वध करने हेतु उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान ने छद्म वेश धारण किया था। तब वृंदा ने श्राप दिया भगवान को और भगवान पाषाण के हो गए और पाषाण के होने के पश्चात वह गंडकी नदी से उद्भव होने लगे और उसी के किनारे तुलसी वृंदा जो थी वह तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई है। तो तभी से भगवान शालिग्राम और तुलसी का संबंध प्रगाढ़ हुआ है और जभी से पूजन में प्रत्येक पूजन में शालिग्राम शिला और तुलसी अवश्य रूप से हम रखते हैं वैष्णव सभी भक्तजन। और बाकी सत्यनारायण जी की कथा या भगवान गोविंद का कोई भी पूजन करते हैं तो शालिग्राम शिला उसमें अवश्य होती है। तो इस प्रकार से बड़ा ही महत्व और बड़ा ही आध्यात्मिक रहस्य भी इसमें गुड़ रहस्य छिपा हुआ है। शालिग्राम शिला पर केवल पीला चंदन या हल्दी का तिलक करना चाहिए, रोली और सिंदूर कदापि अर्पित नहीं करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और बाकी सभी देवताओं को हम तिलक के लिए चावल लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, लेकिन भगवान शालिग्राम को जौ अर्पण किए जाते हैं, चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत महात्म्य श्री शालिग्राम शिला जी के विषय में कहा गया है। बड़ा ही लाभ देने वाला, बड़ा ही पुण्य वह मनुष्य होता है जो भगवान शालिग्राम की सेवा करता है। लेकिन इसको खरीदने और बेचने वाले के विषय में क्या कहा गया है? पद्म पुराण में, पद्म पुराण के पाताल खंड में 79वें अध्याय में कहा गया है, शालिग्राम शिला का जो भी क्रय विक्रय करता है वह घोर नरक की प्राप्ति करता है। शालिग्राम शिला को ना तो बेचना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। तो आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि फिर हम प्राप्त कैसे करें? तो शालिग्राम शिला को या तो दान में आपको प्राप्त हो या पूर्वजों के द्वारा अगर सेवा होती हो या यह और वो आपको प्राप्त हो, या फिर आपके कोई गुरुदेव हैं गुरु के प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त हो गुरु से, या कोई ब्राह्मण देवता हैं उनसे आपको प्राप्त हो, लेकिन क्रय विक्रय ना हो उसका, अर्थात धन से उसको मोल में नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण कहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी अर्थ से धन से शालिग्राम शिला को नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा नाना प्रकार के नरकों का भोग हमें करना पड़ेगा और अनेक कष्ट की प्राप्ति होगी, उसका कोई फल नहीं है। अगर हम मोल खरीद कर शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं तो उसका कोई पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आपके निमित्त आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, और ज्ञानवर्धक वीडियो है तो अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य शेयर करें ताकि सभी को शालिग्राम शिला से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे श्याम।